सो गज तूफानी इंडियन बैक्स डैम थीटे के अंदर जेट को फ्लाई करने का ऑप्शन आ चुका है। आप देख ही पा रहे हैं यहाँ पे न्यू एम्बुलेंस को भी ऐड कर दी गई और भाई मस्त यहाँ पे चल रही है। और ये देख लो जो हमारी नॉर्मल बलैरो है इसको मैंने फ्लाइंग बलैरो में कन्वर्ट कर लिया, तो आप भी किस तरह से कर सकते हो। बाकी देख लो यहाँ पे हमारी जो ट्रेन है इसका डिब्बा मैंने अलग कर लिया। चलिए आपको मैं ये ट्रिक भी बता देता हूँ, उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो और आप सबके लिए गुड न्यूज़ भी है तो वीडियो करने तक वॉच कर लेना। तो लेट्स गो। तो सबसे पहले आपने आ जाना ट्रेन वाली लोकेशन पर। आप देख ही पा रहे हैं यहाँ पे मैं मिनी जेट के जरिए आ चुका हूँ। बाकी मेरा करेक्टर क्यों गिर गया भाई, तो यहाँ पे मैंने आउट थोड़ा सही नहीं किया। बाकी न्यू अपडेट में आपको यहाँ पे जेट पैक भी मिल चुका था, इसके अलावा न्यू बलैरो भी मिले, न्यू हाउस भी देखने को मिल चुका है। तो हमारी फ्लाइंग बलैरो किस तरह से ले सकते हो वो भी बताता हूँ। तो नंबर वन पे आप जाना यहाँ पे, इसके बाद आपने यहाँ पे स्टिकी बॉम्ब यहाँ पे एक्टिव कर लेना। आप देख ही पा रहे होंगे सिंपली आपने यहाँ पे स्टिकी बॉम्ब लगा लेना। आपको मैं यहाँ पे स्पीड में करके दिखा देता हूँ। तो लेट्स गो। आप देख ही पा रहे यहाँ पे मैं बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी के अंदर यहाँ पे आपने स्टिकी बॉम्ब फ्रंट पे लगा लेने हैं। उसके बाद एक मैजिक है जो कि आप सब करोगे तो आपको मजा आने वाला है। और यहाँ पे देख लो यहाँ पे इसको मैं करने वाला हूँ। तो फटाफट से यहाँ पे मैं स्टिकी बॉम्ब को लगा लेता हूँ। उसके बाद आपका जो ट्रेन का डिब्बा है ये अलग हो जाएगा, इंजन अलग हो जाएगा, इसके अलावा ट्रेन के जो बॉक्स हैं वो अलग हो जाएंगे, जैसे कि आपको मैंने स्टार्ट में दिखाया था। यहाँ पे मैं स्पीड से लगा लेता हूँ। उससे बाद आपने अपनी गन को निकाल लेना। यहाँ पे मैंने काफी लगा भी लिया, ओके। तो यहाँ पे मैं अपना गन निकाल लेता हूँ, यहाँ पे इसको मैं करता हूँ शूट। तो लेट्स गो। यहाँ पे नंबर वन पे मैं इसको कर लेता हूँ शूट, यहाँ पे मैं करता हूँ ब्लास्ट इसको। तो ये देख लो अभी भी नहीं हुआ, अगेन मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो आप एक या दो बार करोगे तो ये हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे अभी भी नहीं हुआ, दोबारा से मैं करके देख लेता हूँ। तो ये वाली लोकेशन ओके। तो ये देख लो फाइनली यहाँ पे जो है हमारा ट्रेन का इंजन अलग हो चुका है। जी हाँ, चलिए आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये देख लो यहाँ पे हैंग ही हो गया है। तो यहाँ पे देख लो यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो भाई साहब फाइनली आपने सिंपली यहाँ पे जैसे करोगे तो उसके बाद आपने ट्रेन के अंदर बैठना है। अभी ये थोड़ा सा ही अलग हुआ है, उसके बाद आप ट्रेन के अंदर जैसे बैठोगे इसके बाद आपने ट्रेन को रन कर लेना। आप देख ही पाओगे ट्रेन को मैंने यहाँ रन कर लिया है और फाइनली यहाँ पे इसका डिब्बा अलग हो चुका है। भाई आप देख लो यहाँ पे ट्रेन अपने ट्रैक से हट चुकी है और यहाँ पे देख लो यहाँ पे मैं इसको रोक लेता हूँ। सिंपली आपने यहाँ रोक के इसके बाद नीचे उतर आना है। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ, आपको दिखाता हूँ किस तरह से ये ट्रेन हमारी अलग हो चुकी है। तो यहाँ देखो ये ट्रेन की ट्रैक किसी भी हट आ गई है भाई, क्या ही मस्त यहाँ पे है। तो ट्रेन का ट्रैक जो है इस साइड पे रोड पे आ चुकी है हमारी ट्रेन। चलिए आपको मैं दिखा देता हूँ, सिंपली आपने ऐसे करना है तो आपके पास ये ट्रिक हो जाएगी। आप करोगे तो आप मुझे कमेंट से बताना आपके पास ये ट्रिक वर्क कर रही है नहीं। तो उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ किस तरह से आप कर सकते हो। तो ये देख लो फाइनली यहाँ पे हमारा इंजन इसके अलावा ट्रेन के जो बॉक्स है वो अलग हो चुके हैं और भाई क्या ही मस्त यहाँ पे कन्फर्म हो चुका है। तो भाई आप भी इस तरह से ये ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी आप सबके लिए गुड न्यूज ये है कि इस बार का जो अपडेट आ रहा है उसके अंदर आपको ये वाला शोरूम भी देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर यहाँ पे बाइक वगैरह भी आ चुकी है। आप देख ही पा रहे होंगे तो न्यू अपडेट में ये वाला शोरूम भी देखने को मिल जाएगा, जिसके आपको पता होगा ओल्ड शोरूम को यहाँ पे रिप्लेस किया गया है। बाकी न्यू अपडेट में आप सबके लिए गुड न्यूज है कि इस बार के अपडेट में आपको न्यू पुलिस स्टेशन भी देखने को मिल जाएगा। जी हाँ गाइस, आप सबके लिए गुड न्यूज है कि इस बार का अपडेट है उसके अंदर आपको यहाँ पे पुलिस स्टेशन भी देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप देख ही पा रहे होंगे। और कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा, हो सकता है इससे अच्छा भी आ सकता है। आप बता दो किस टाइप का न्यू पुलिस स्टेशन ऐड किया जाए, तो भाई न्यू अपडेट में पुलिस स्टेशन भी ऐड होगा। बाकी आप सबके लिए गुड न्यूज है कि इस बार के अपडेट में आपको न्यू हमारा जेसीबी भी देखने को मिल जाएगा, ऐसा रोहित गंज ने बताया है। तो जैसे इसका गेम प्ले आएगा आपको मैं दिखा दूंगा। बाकी न्यू अपडेट की आपको डिटेल भी दे दिया है और आपको जो मैंने ट्रिक बताई आपको ये कैसे लगी मुझे कमेंट से बता देना। बाकी हमारी फ्लाइंग बलैरो की बात की जाए तो इस तरह का अभी तक कोई ऑप्शन नहीं आया। अगर आप चाहते हो इंडियन बैक्स डायमंड 3D के अंदर ये वाला भी ऑप्शन ऐड किया जाए तो कमेंट से बता देना। बाकी आज का गेम प्ले यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपने वीडियो एंजॉय किया तो लाइक जरूर करना और चैनल पर नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।